लाइफ है ठीक है, पापा लाइफ भी देख रहे हैं ताकि बोर ना हो, और साथ साथ क्या क्या बन रहा है पापा? बेटा मटन का सालन है, हमरा लाइफ हैरान हो रही है। जब मटन का सालन रेडी हो जाएगा तो हम दाल उसमें मिला देंगे। तो ये दाल कौन सी है? मूंग मसूर की दाल है। ठीक है, ये मैं काट दूं पापा आपके लिए? ये कटा हुआ, ये नहीं काटने का जरूरत है। और इसके साथ हम वो बनाएंगे क्या बोलते हैं यार, हम राइस भी बनाएंगे। ओके डन 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 डन। ये देखो, ये कल हम लेकर जो गए थे ना उसमें से ये बचा है, ये ले जाकर जाना मैं आयुष को दे देती हूँ क्योंकि वो उठ चुका है। और मैं जब ये खा रही थी तो वो बोला था मुझे भी तो दो, तो दे देती हूँ इसको। आयुष को जो है ये भी दे दो जी, प्लस वो आयुष को पूछो ना। What's up guys, welcome back to my channel and you're watching Mr. RVTV React, and if you're new to the channel you know what to do, please subscribe to the channel, like this video and don't forget to turn on that notification bell. Any guys new year ko mero pani blog aako cha, and if you haven't seen it please herdin hola, hopefully you guys enjoyed it. Ekdamai ramailo garye thyo new year ko din na, tei bhar chai mero naya blog pani, if you want to watch it watch it, if you don't want to watch it play garera chhadin na yaar, views badi halcha ni haina, tei bhar chai hami feri अलिजेको ब्लग हेरौँ, बिकज आई डोन्ट थिङ्क द्याट यस्टरडे दे वर लाइभ एज वेल, किनभने चाहिँ अब त्यही भएर ब्लग आयो, त्यही भएर एउटा मात्रै भयो नि कन्टेन्ट रियाक्ट त गर्नु पऱ्यो यार, यिनीहरूको यार एउटा न एउटा कन्टेन्ट आएन भने के आएन के आएन हुन्छ कि, त्यही भएर चाहिँ थ्याङ्कफुली अलिजेले चाहिँ ब्लग अपलोड गरेर रहेछ होइन, त्यही भएर चाहिँ लेट्स वाच अलिजेज ब्लग एन्ड लेट्स रियाक्ट है त। सो लेट्स वाच लेट्स रियाक्ट। हेलो के छ? ठिक छ भाइ, व्हाट इज दिस? ओके डन 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 डन। कसम खुदा की तरफ से थोड़ी सी ये इधर लगी है, नो मतलब ये गाड़ी ठुके छ नि, ये के भइरा छ यार, अलि चाहिँ पहिले गाड़ी ठुकिनु पहिले घर यार। उनमें से एक एक बंदे को पकड़ पकड़ के हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, अल्लाह आप सबकी सारी परेशानियां दूर कर दे, आमीन या रब। जिन जिनके प्यार उनसे खफा है उनको उनके प्यार मिल जाए, जिन जिन मतलब दौलत का मसला है या कोई भी मसला है, सब 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 सॉल्व हो जाए, आमीन या रब आमीन। तो अभी आपको लग रहा होगा कि सुबह हो रही है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, रात के बज रहे हैं 7 और लिटरली मैं रात मतलब सुबह अपना व्लॉग अपलोड करके 5-6 बजे तक 7 बजे मैं सुबह के 7 बजे सोई हूँ और 7 बजे उठी हूँ, वाह क्या बात है। तो अभी आयुष भी थोड़ी देर पहले उठा है, इज्मा भी शायद थोड़ी देर पहले उठी है, लाइक हम सब ने अपनी पूरी नींद ले ली है। बाबा और मैं जाकर अभी खाना बना रहे हैं, मॉम को भी रेस्ट करने दे रहे हैं, चलो कोई नहीं करो रेस्ट, कल आप तो नहीं गई थी हमें हमारे साथ, लेकिन स्टिल चलो करो रेस्ट। तो मैं बाबा के साथ जाके हम लोग खाना बना रहे हैं, तो जो भी होगा आपको दिखा देती हूँ, शॉर्ट एंड स्वीट सा व्लॉग होगा, जो दिखा देते हैं कोई नहीं, क्या कोई नहीं, लाइफ है ठीक है, पापा लाइफ भी देख रहे ताकि बोर ना हो, और साथ साथ क्या क्या बन रहा है पापा? बेटा मटन का सालन है, हमरा लाइफ हैरान हो रही है। जब मटन का सालन रेडी हो जाएगा तो हम दाल उसमें मिला देंगे। तो ये दाल कौन सी है? मूंग मसूर की दाल है। ठीक है, ये मैं काट दूं पापा आपके लिए? ये कटा हुआ, ये नहीं काटने का जरूरत है। और इसके साथ हम वो बनाएंगे क्या बोलते हैं यार, ओके डन 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 डन। ये देखो, ये कल हम लेकर जो गए थे ना उसमें से ये बचा है, ये ले जाकर जाना मैं आयुष को दे देती हूँ क्योंकि वो उठ चुका है, और मैं जब ये खा रही थी तो वो बोला था मुझे भी तो दो, तो दे देती हूँ इसको। आयुष को जो है ये भी दे दो जी, और प्लस वो आयुष को पूछो नाश्ते के लिए बेटा, वो बोला मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, तो मैंने उसको बताया खाना बन रहा है, तो बोलता है ठीक है, बोलता है नहीं, तो इसको ये चिप्स दे देता हूं। मैं मेरे ही तो लाइव में है यार, ऐसे के गाइस यार, हाय तेरी यार, ये वाला तो मैं खाऊंगी, जो मैंने कही तो नराबर भाई ने कही बने, नहीं ये देखो, और ये देखो ये बाप जो है अपने बच्चों के साथ बैठा हुआ है, वो देखो ये देखो इनको, ये टीवी इधर कौन लगता है यार, मतलब मैंने जैसे को बता रहा था कि हां हम देसी हैं, हां दिखाती हूँ ये बिल्ली के बच्चे पे हमला कैसे करते हैं, जब भी कोई खाने की चीज इनके सामने रखो या देख
उसको बहुत पसंद है ये, देख सकते हैं आप लोग कैसे खा जाती है ये। ये देखे ये ये चिप्स बड़े टेस्टी है, मुझे भी पसंद है, मेरी बिल्लियों को भी। अगर आपने अभी तक ट्राई नहीं किया तो यू शुड डेफिनेटली ये लीजिए। हां आइए खाइए, भेज दो यार हमको भी। इधर रखती हूँ, आप इधर से उठाइए उठाइए। आइए वाह वेरी गुड। फिलहाल तो कुछ भी ऐसा नहीं है, चावल उसमें भिगा दिए हैं, वो धो देना बाद में। और इसके अलावा कोई चॉप शॉप नहीं करना कुछ? नहीं बेटा, चॉप शॉप करने का काम कोई भी नहीं। वो चॉप शॉप जो है तुम्हारी माँ ने करके दे दिया था कुछ पहले, प्याज और टमाटर आपको मैंने कमरे में भेज दिया, वो ठीक ही है। यार फोन में लाइव आदि समझ चल रहा है गाइस, चीज वीज तो नहीं लानी जाकर जो है ना आयुष के लिए एनर्जी ड्रिंक जो है ना वो लेकर आ जाओ। तो अभी मैं आयुष को नहीं बताऊंगी लेकिन आयुष के लिए एनर्जी ड्रिंक लेकर आती हूँ। अल्लाह करे मुझे वो जगह मिल जाए, क्योंकि जो मुझे जगह नहीं पता होती ना तो मुझे वहाँ पता ही नहीं लगता कि क्या है क्या नहीं, लेकिन तंदूर का मुझे पता है। लेकिन लेट्स गो लेकर आती हूँ। तो गाइस रात के अंधेरे में एक चुड़ैल निकल गई है जीपीएस के बिना, जो है मैं कहीं पर भी नहीं जाती हूँ, अल्लाह खैर करे। क्योंकि पापा लेकर आते हैं आयुष के लिए एनर्जी ड्रिंक और मुझे क्या बोलते हैं हैंड वॉश भी लेना है, और जिससे बर्तन धोते हैं वो भी, डिश वॉश भी लेना है। लाइफ में फर्स्ट टाइम मुझे जो है ना मिली है जगह, ये मिल गई है मुझे यार अल्हम्दुलिल्लाह। सो गाइस थोड़ा सा ब्लंडर हो गया है यार, पहले न्यू साल के पहले ही दिन जो है ना मुझसे गाड़ी जो है ना टच हो गई, और यहाँ पे गाड़ी टच होती है तो यू हैव टू फाइल अ पुलिस केस। इट्स ओके, लाइक हमारी इंश्योरेंस बना कर देगी उन्हें। लेकिन वो बंदा तो भाई मतलब लड़ रहा था मुझसे यार, वो मुझ पर चिल्लाने लग गया। लेकिन फिर मैंने उससे बोला चिल्लाओ मत मुझ पर, तो सुन ही नहीं रहा था। फिर मैं आ गई, मैंने बोला चल भाई तुझे पुलिस रिपोर्ट करनी है कुछ भी करनी तू कर, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कितनी टच हुई थी। इतनी भी टच नहीं हुई, थोड़ी सी टच हुई। अब जो लड़कियाँ वो बोलेंगे इतनी ज्यादा हुई है, लेकिन लड़कियाँ मैंने उसको बोला भी कि यार तुम मेरी बात सुनो, ये तुम्हारे पास पुलिस वाला ऐप नहीं है उससे करो ना, नहीं मैं पुलिस को बुलाऊंगा। अरे तो बुलाओ यार। हाँ बोलते है मेरी कंपनी की गाड़ी है। मैंने बोला ओके कोई मसला नहीं है यार, आप इधर ये ले लो सब कुछ। उसको लग रहा था जैसे मुल्किया नहीं है मेरे पास, पागल कहीं का सीरियल था। इधर लगी है ये नो मतलब कि तेरे लाए थे यार वॉक के। आप लोगों को दिखाती हूँ वीडियोस भी, आई मीन इतने तो नहीं था इतना जितना से क्रिएट किया, लेकिन कोई नहीं चलो आगे लेकर शाम। Hello. गाड़ी गाड़ी भी थोड़ी सी ठोक दी पार्किंग में, कोई गाड़ी खड़ी थी उसको पर उसकी गलती थी। दिखाती हूँ, उनका हाल बहुत ही बुरा हो रहा है, ये देख सकते हैं आप लोग। मैंने अभी तक अपने कपड़े शपड़े जो है ना बिल्कुल भी साइड पे नहीं है, बिकॉज न्यू ईयर था एंड देन बिजी हो गई थी मैं। तो कल सुबह उठ के मुझे ये काम भी करना है, कल सुबह उठ के मुझे एक और काम है वो भी करना है, लॉट्स ऑफ थिंग्स यार क्या करूँ मैं। गाइस खाना जो है ना बन चुका है, यस दाल भी बन गई, चावल भी बन गए इतनी जल्दी खाना जाना बंद था, मोबाइल वॉक करे खाना हरा गो बोला ये बना दिया यार। हेलो दाल और गोश्त मतलब वो है साथ। नाइस नाइस रेसिपी, नाइस। ये बस अब्बू के आते हैं ऐसे और पता है बाबा इतनी जल्दी बना देते हैं आयुष,
एक घंटे में तैयार, ये एक घंटे में मैंने तैयार किया है पूरा। चलो भाई, मेरे तो मस्त भूख लग रही है, थक गया, पेट पेट भर के रेस्ट करेंगे, कल काम है हमारे, कहाँ जाने मोटा में, कल बताएंगे, कल ही बताएंगे आप लोग, पता होगी परसों ही ब्लॉग में पता होगी, है ना। और अभी भी प्लानिंग करनी है, क्योंकि देखो मैं बताती हूँ, थर्सडे तक है हॉलीडेज, हाँ न्यू ईयर की, तो हम मे भी राशन खेमा का प्लान बनाएंगे। गरम होगा, आयु से जो सारा मम्मी अच्छी कुकिंग करती है, पापा पापा फिर ये वीडियो मम्मी को दिखाऊंगी जाकर फसाद करूंगी घर में, सुबह में मम्मी, शाम को पापा, यम यम यम। चलो गाइस अब मैं भी खाती हूँ, इन लोगों को भी बुलाती हूँ, यार कहाँ रह गए ये लोग। ओके गाइस, तो आपसे खाना खाई से एकदम है फाइनली, यस, और अंत काली भी खाना खा के आगे पेट फूल गई, yes, बहुत टेस्टी थी यार, कसम से बहुत टेस्टी, मैंने तो फर्स्ट टाइम ट्राई किया यार। तो आज हमारा न्यू ईयर का जो दिन था वो मतलब सोते सोते कैसे सोते थे, कल तो एंजॉय किया ना मस्त। हाँ। चलो गाइस ओके, अब मैं इधर ही ब्लॉग एंड कर देता हूँ हम, ठीक है, ले लो मटू, मटू लाइट ऑन करो। ओके गाइस, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, मेक श्योर टू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब, यू गाइस विल शेयर इन द नेक्स्ट ब्लॉग, बाय बाय गाइस, बाय 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 बाय। वाओ, व्हाट अ शॉर्ट एंड स्वीट ब्लॉग यार, स्टार्टिंग अलीजे बाटा खत्म हाम्रो भाई बाटा, हो हैन ल, तर बेला बेला मा चाहिँ यसरी नै बनाउन पर्छ है, किनभने अब सँगै केही न केही अब कन्टेन्ट कहिले बनाइराख्न झ्याउ हुन्छ नि त, घरमा केही गरे पनि हुन्छ कि, त्यही भएर त मैले इन्टरभ्यू यताउता भनेको थिएँ नि, होइन इन्टरभ्यू सिन्टरभ्यू गऱ्यो यताउता भयो भने त्यो पनि एउटा कन्टेन्ट हुन्छ, अनि सबैलाई एकदम मन पनि पर्छ होपफुली इन फ्युचर, होइन कन्टेन्टको त्यो इन्टरभ्यू यताउता नै आओस्, बट हाइलाइट अफ द ब्लग वाज जब मैले आफैलाई देखेँ यार, अबुले हाम्रो लाइभ हेर्नुभएको चाहिँ हिजो, म इजमासँग लाइभमा थिएँ नि, आई वाज विथ ह, अनि धेरै बेर कुरा भयो, एकदम राम्रो कुरा भएको थियो, अनि आई वाज नट स्योर कि अब्बुले त्यहाँ लाइभ हेरिरहनु भएको छ अरे, सो हि वाज कुकिङ फुड, अनि त्यसपछि हाम्रो लाइभ हेरेर के, सो आई वाज लिटरली प्राउड यार, होइन केही न केही त अब फुल्ली यार, किनभने अब अभियसली अब्बुले हेर्नुभयो भने चाहिँ अलिकति, अहिले चाहिँ म सोचिरहेको छु केही त बोलेन मैले, के चाहिँ नराम्रो बोल्यो, केही चाहिँ बोल्यो भने यसो कमेन्टमा लेख्नु त मलाई त याद छैन। सो द्याट वाज द भिडियो गाइज, होपफुली यु गाइज लाइक डेट, सर्ट एन्ड स्विट ब्लग थियो, होपफुली आज यिनीहरू लाइभ आउँछ, सो भोलि रियाक्सन भिडियोज, ब्लगको रियाक्सन भिडियो बुम बाम पेलम पाल आइहाल्छ, बट टिल देन जस्ट टेक केयर अफ युर सेल्फ, राम्रोसँग बस्नु होला, आफ्नो ख्याल गर्नु होला, बी पोजिटिभ, होइन अलवेज पोजिटिभ, दिन सुरुवात हुन्छ भने कि हाँसेर कि त आफ्नो फ्यामिलीसँग चट्ट राम्रो टाइम स्पेन्ड गरेर त्यसरी बिताउने हो क्या, कसैलाई यसलाई नराम्रो गर्छु अथवा यसलाई नराम्रो गर्छु भनेर चाहिँ दिनको सुरुवात नगर्नु होला, सो अलवेज ट्राई टु बी ह्याप्पी एन्ड ट्राई टु बी भेरी भेरी पोजिटिभ एभ्री डे एभ्री मर्निङ, ताकि तपाईँको हर दिन त्यसरी नै गुज्रियोस्, त्यसैको आशीर्वादका साथ म चाहिँ अब लाग्छु, थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ एन्ड सी यु इन द नेक्स्ट रियाक्सन भिडियोज, ओके बाई बाई।